हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी इंटरमीडिएट हिंदी 100 मार्क्स की, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट के कुछ क्वेश्चंस अपलोड नहीं हो पाए, डिस्प्ले नहीं हो पाए। और लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस नहीं डिस्प्ले हो पाए, कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह गए, और जिसकी वजह से आज मैंने डिसाइड किया है कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको करा दूं, ताकि आपके 50 क्वेश्चंस, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगातार आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किए जाते रहेंगे, और साथ ही साथ फिर चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने के बाद और भी जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं, जो स्ट्राइकिंग क्वेश्चंस हैं जिसके आने की संभावना और भी ज़्यादा है, तो वो भी आपको आपके अपने चैनल पर लगातार अपलोड कर दिए जाएंगे। आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चंस 10-11 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आज और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 40 से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और ऑप्शंस हैं शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना या फिर प्रेम करना। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चाल चलना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, चाल चलना आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आप 41 है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका क्या अर्थ है, चार ऑप्शन आपके सामने, अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना या फिर लड़ाई करना, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश करना। जी हाँ, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चार ऑप्शंस, डींग हाँकना, उदास होना, चाल चलना या फिर शर्म करना। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताएं कि सही ऑप्शन क्या है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डिंग हाँकना। जी हाँ, डिंग हाँकना आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं व्यंग करना, जलाना, घृणा करना या फिर ईश्वरिया करना। चार ऑप्शंस आपके सामने, आप देखें सारे ऑप्शंस को, ध्यान से देखें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। और मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद अपना आंसर बताएं, और जब मैं भी आपको वही आंसर बताऊं तो आप समझ लें कि हाँ, आपका बताया हुआ आंसर सही है और आपकी तैयारी अच्छी है। और कितने सही आंसर्स आप बता पा रहे हैं उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी तैयारी कैसी है और फिर कितनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, गगनचुंबी कौन सा समास है। जी हाँ, गगनचुंबी कौन सा समास है आपके सामने। चार ऑप्शंस, तत्पुरुष, द्विंद, दिगु या फिर अव्ययी भाव, कौन सा समास है आपको बताना है। ध्यान से हर एक ऑप्शन को देखें, क्वेश्चन दो दफ़ा तीन दफ़ा पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, ऑप्शंस को समझें और फिर डिसाइड करें कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है या मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। और आपको मालूम है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का पैटर्न कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके सामने कि किसी 100 में किसी 50 को बनाना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके सामने, और इसमें इस पैटर्न में, इस ईजी पैटर्न में आपको मार्क्स लाना ही होगा, नहीं लाने का कोई आपके पास ये नहीं है किसी के पास भी कि मार्क्स कम आ गया, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको अच्छा मार्क्स ला के दिखाना ही पड़ेगा। तो 44 मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा, गगनचुंबी कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विंद, दिगु या फिर अव्ययी भाव। तो आप बताइए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। जी हाँ, आप ऑप्शन ए, तत्पुरुष आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आपके सामने यथाशक्ति, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, यथाशक्ति कौन सा समास है। चार ऑप्शन आपके सामने, बहुव्रीही, क्रमधारय, अव्ययी भाव या फिर द्विंद समास। आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव, यथा शक्ति कौन सा समास है।
अव्यवी भाव समास वो समास होता है जिसका प्रथम पद एक अवयव हो। चलिए मैंने आपको बता दिया, आप इसे याद रखेंगे और बहुत जल्दी ही समास का एक डिटेल वीडियो आपके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अक्सर लोग डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि समास और समास विग्रह का क्वेश्चन सॉरी एक डिटेल वीडियो आप ज़रूर अपलोड करें, तो मैं ज़रूर कर दूंगा। अभी थोड़ा टाइम की कमी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द कर पाऊँगा इंशाल्लाह, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। फिर क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? समास से देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, समास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ समास विग्रह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए आपके ऑप्शंस हैं क्रमधारय, अव्यवी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष। आप बताइए कि आपका सही ऑप्शन क्या है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्रमधारय। अब ये क्यों है क्रमधारय या कोई क्यों है अव्यवी भाव, ये सारा डिटेल में हम लोग देखेंगे। बहुत जल्द वो वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, फिलहाल आप ये जानें। और जो जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो तो अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और जिन लोगों ने समास नहीं पढ़ा है, समास को अच्छी तरह नहीं समझा है, तो आप कमल नयन क्रमधारय समास है, आप अभी इतना याद रखें, बहुत जल्द आपको हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, जी जान कौन सा समास है? जी जान कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं क्रमधारय, अव्यवी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अव्यवी भाव। जी हाँ, अव्यवी भाव आपका सही आंसर है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं द्विगु, अव्यवी भाव, क्रमधारय और फिर तत्पुरुष। तो आप बताइए कि सही ऑप्शन कौन है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। जी हाँ, पंचपात्र कौन सा समास है? द्विगु समास है, वो समास जिसका प्रथम पद कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, वो द्विगु समास होता है। आप यहाँ देख सकते हैं पंचपात्र, पंच का मतलब क्या है? पाँच, पाँच एक संख्या है, इसलिए पंचपात्र क्या हो गया?